किस तरह की फिल्म? सुनहरी केबल बहुत अच्छा फिल्म होगा और मैंने देखा हूँ फिल्म, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा मेरे लिए इसका कनेक्शन है कि इसका जो डायरेक्टर है शारदा दत्ताचार्या, वो मेरा बहुत करीब दोस्त है और फिल्म इंस्टीट्यूट में हम लोग एक साथ पढ़े तो वो है, उसके साथ साथ वो फिल्म इंस्टीट्यूट में मेरा सबसे करीब दोस्त था। और फिल्म इंस्टीट्यूट में एक यूनिट होता है जिसमें एक डायरेक्टर, एक एडिटर, एक कैमरामैन, एक साउंड रिकॉर्डिस्ट एक साथ काम करता है, एक फिल्म बनाता है, और चारू मेरा डायरेक्टर था मेरा। सो आई एम इधर बॉम्बे आके भी मैं चारू के साथ ही रहता था और आई एम एक्सट्रीमली अटैच टू दिस फिल्म बिकॉज ऑफ हिम एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मैं फिल्म देखा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा श्योर। और सर रमेश सिप्पी के प्रोडक्शंस के अंदर बनी है तो एक इसी में एक बहुत बड़ी बात होती है। हाँ ये तो बहुत, आई नो ऑफकोर्स बहुत बड़ी बात है और इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस और रमेश जी का हर फिल्म तो सबको मालूम ही है। उसके साथ साथ रोहन इज़ ऑल्सो लाइक एक्सट्रीमली गुड फिल्म मेकर। सो एकदम फुल एक इतने रमेश सिप्पी जी टू आइडेंटिफाई द स्क्रिप्ट एंड रोहन ऑल्सो बींग सच अ बिग फिल्म मेकर टू आइडेंटिफाई द स्क्रिप्ट एंड टेक आउट द करेक्ट स्क्रिप्ट एंड करेक्ट फिल्म। सो ऑब्वियसली फिल्म तो अच्छा ही बनेगा क्योंकि इन पे उनका हाथ भी है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। हाँ मैं तो अभी एक्चुअली एक साल से ब्रेक में हूँ और मैं कोई नया फिल्म साइन नहीं किया हूँ। अभी मैं नवंबर से न्यू फिल्म साइन कर रहा हूँ और अपकमिंग जो सोनाली केबल रिलीज हो रही है। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? सोनाली केबल फाइनली रिलीज हो रही है मेरी फिल्म। ऐसा लग रहा है कि 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स के रिजल्ट आने वाले हैं, फ्राइडे को फिल्म आ रही है, बहुत एक्साइटेड हूँ। डेढ़ दो साल से इस फिल्म पे हूँ, एकदम शुरुआत से जब चारू सर के पास और कोई भी कास्ट फाइनलाइज नहीं थी, चारू सर और मैं बैठकर रिहर्स करते थे अकेले रमेश सर के ऑफिस में, पीछे शोले का पोस्टर होता था। और आज ये दिन है कि मैं अपने स्टैंडी के पीछे खड़ी हूँ और लोग अंदर पिक्चर देख रहे हैं और फिल्म रिलीज होने वाली है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। हाँ जी, कौन कौन से एक्टर या एक्ट्रेस को आपने बुलाया है? काफ़ी लोगों को देखते हैं कौन कौन आता है। अभी फ़िलहाल तो जो लोग बाहर आए हैं पहली स्क्रीनिंग से इंटरवल पे, सबने अच्छी अच्छी बातें बोली है, सबने बहुत अच्छी बातें बोली है, तो खुश हूँ। फिलहाल तो अच्छे स्पेस में हूँ, लेकिन ये तो स्क्रीनिंग है, आगे फिल्म रिलीज़ भी होनी है। वीकेंड मंडे ट्यूसडे बहुत सारे मुश्किल दिन आने वाले हैं, सो नींद नहीं आने वाली है, तो तब देखेंगे क्या होता है। बहुत अच्छी लगी, बहुत फ्रेश फिल्म है, नया आइडिया है और बहुत अच्छा डायरेक्टर, बहुत अच्छा है और एक्टर्स भी सब अच्छे हैं। किसका रोल ज़्यादा अच्छा है? सब सब है, लड़की बहुत अच्छी है, डायरेक्टर उनका काम बहुत बढ़िया है, फैंटास्टिक, गुड जॉब। रमेश सिप्पी के प्रोडक्शंस के अंदर नहीं, हाँ सब अच्छे हैं, वो सब पिक्चर अच्छी है जो है, बहुत ही टैलेंटेड लग रहे हैं। मैं रोहन को काफ़ी पहले से जानता हूँ, उनसे काफ़ी बार मिला हूँ, बातचीत हुई है मेरी उनके साथ, तो आई नो दैट दिस इज अ फिल्म ही इज मेड फ्रॉम हिज हार्ट एंड ही लव्स द स्क्रिप्ट, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज ऑफ दैट। फिर राघव जो है मेरा कोस्टार है ABCD2 में, तो मैं तो डेफिनेटली जानता हूँ कि बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, अब चांस है कि पूरा देश देखेगा कि कितना टैलेंटेड है। और नो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, क्या किया, क्या किया, क्या किया तुमने इसमें, बस आपको पता लगेगा। जो स्टार ड्रिवन मूवीज होती है, हां हैव द लार्ज इंपैक्ट और उसकी अगर ज्यादा होती कंपैरेटिव टू स्टोरी ड्रिवन मूवीज, कैन यू से दैट? आई थिंक आज के टाइम में कंटेंट वर्क्स, स्टोरी वर्क्स, आई थिंक इन टुडे आई थिंक दैट इज ऑलवेज बीन द केस। अगर एक अच्छी पिक्चर रिलीज हो तो वो डेफिनेटली आगे जाके बहुत कारोबार करेगी। तो मेरे हिसाब से सोनाली केबल हैज दैट इन इट, की एक फिल्म है जो स्टोरी लाइन अच्छी है, जैसे राघव ने मेरे को बहुत बताई पिक्चर के बारे में कि पिक्चर में एक हार्ट है एंड इट्स अबाउट द कॉमन मैन, और इन्होंने गाना भी किया है रिया के साथ जो बहुत सेंसिबल स्टोरी, अच्छा है, इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी एंड प्लीज गो एंड वॉच। थैंक यू पर यू आर वॉचिंग मसाला गपशप ओनली ऑन सहारा। वॉचिंग मसाला गपशप ओनली ऑन